अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा करने वालों ने हमेशा हिदायत पाई। अल्लाह पर तवक्कल करने वालों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अरकान इस्लाम की पैरवी में ही हिदायत मौजूद है। नमाज बुराई से बचाती है, शैतान के धोखों और वसवसों से खुद को महफूज रखो। मस्जिद नमरा में मस्जिदुल हराम के इमाम और खतीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हम ने खुतबा हज देते हुए कहा, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। ए लोगों, मुसीबतों और फसाद से दूर रखो। इस्लाम फहाशी और बुराई से मना करता है। इस्लाम इमानत में खयानत से मना करता है। ए लोगों, अल्लाह और उसके रसूल की एतात करो। शराब और जुआ शैतानी अमल है जो मोमिनों को तकलीफ देते हैं, कभी फलाह नहीं पा सकते। किसी को बुरे नाम और बुरे अकबात से ना पुकारो। मुसीबतों और फसाद से दूर रहो। साहिबाद में डॉक्टर्स की गिरफ्तारियों पर यंग डॉक्टर्स का ओपीडीज का बायकॉट। वाईडीए का वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटरी सेहत की मुआसर तक काम करने से इनकार। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पाकिस्तान, ओकाड़ा, रहीम यार खान, बिहाड़ी, खानेवाल और साहिवाल समेत पंजाब के कई शहरों के सरकारी हस्पतालों में ओपीडीज मुकम्मल बंद। ओपीडीज की मंदिर से हस्पतालों में आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किल का सामना। कराची के ज़िला मली बिन कासिम टाउन में पानी की बड़ी चोरी पकड़ ली गई। वाटर कॉरपोरेशन के सरबराह का रेंजर्स और पुलिस के हमरा एक्शन। ज़िला एराजी के लिए रोज़ाना लाखों गैलन पानी चोरी किया जा रहा था। पानी चोरी करते टैंकर्स भी पकड़े गए। हमें फेडरल गवर्नमेंट से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है, जो उन्होंने 12.97 ट्रिलियन का अपना रखा है। और प्रोपोर इनिशिएटिव्स में मैंने एग्रीकल्चर में बताया 8 अरब रुपए हमारे हैं एग्रीकल्चर के फॉर हारी कार्ड। सिंध का तरक्याती बजट बाकी सूबों से बहुत बेहतर है। आइंदा वाली साल के तमाम बजट एहदाफ कामयाबी से हासिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह कहते हैं, जीडीपी हदफ पूरा करने के लिए विफाक के साथ भरपूर तआवुन करेंगे। विफाक से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाह सबसे ज़्यादा 30% सिंध हुकूमत ने बढ़ाई है। सिंध के जिन वासियों के पास बिजली नहीं, उन्हें सबसे पहले फ्री सोलर सिस्टम देंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बड़े मनसूबों पर काम किया जा रहा है। सिंध के बजट में कराची के लिए कुछ नहीं है। शहरी तालीम, सेहत, पानी, बिजली, अमनो अमान की सहूलियात चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर खान का कहना है कि किसी भी हादसे की सूरत में इमदादी कामों में फलाही तंजीमों का हिस्सा रियासत से बढ़कर होता है। कराची की बदहाली के अलावा इनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं है। हुकूमत की तरफ से बड़ी ईद से पहले आवाम को बड़ी ईदी। पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 258 रुपये 16 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 268 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। दूसरी तरफ नेप्रा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेप्रा ने फैसला विपक्षी हुकूमत को भेज दिया। बिजली की कीमत में इजाफा एक साथ करना है, यह मरहलावार फैसला काबीना करेगी। मुल्क में जमहूरी अमल डीए नहीं होने देंगे, खुद एहतसाबी का अमल जारी रहेगा। हुकूमत आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती है। फाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल में खिताब, कहा कि हुकूमत बुकला के फलाह के लिए काम कर रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने बुकला के लिए दरवाजे बंद किए। बुकला दहशतगर्द नहीं थे, अपने हकूक के लिए एहतजाज कर रहे थे। बुकला ने जेलें काटी, रियासती तशद्दुद का सामना किया, लेकिन जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब का बुकला के फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब रुपये तक बढ़ाने का ऐलान। बार काउंसिल्स में खवातीन बुकला के लिए डे केयर सेंटर कायम करने की हिदायत। मरीम नवाज से बार काउंसिल्स की एपेक्स बॉडीज के अरकान की मुलाकात। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन पुर भी मौजूद थे। ईद कुर्बान पर बस एक ही दिन, मवेशी मंडियों में सस्ते जानवर की तलाश का मिशन जारी। ऊंट, बैल, बकरे और दुम्बे की खरीदारी के लिए शहरियों का रश। व्यापारियों ने भी ज्यादा गाहक देकर दाम बढ़ा दिए। मुल्तान में 7 फुट के भारी भरकम बैल, जलंधर बादशाह की धूम।
लाहौर की मवेशी मंडियों में वेटनरी मेडिकल कैंप गैर फाल, चीचड़ और डीर बीमारियों से जानवरों के मुतासर होने का खदशा। लाइफ स्टॉक की गफलत के बायस कुर्बानी के जानवरों का बगैर मुआयना मंडियों में दाखिला। पेशावर में बड़ी ईद के लिए टमाटर की बढ़ती कीमत रोकने के लिए दफा 144 नाफिज, सिले इंतजामिया ने टमाटर की तस्सील पर 10 दिन के लिए पाबंदी लगा दी। एक्शन के बाद 200 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर 140 रुपये पर आ गया। ईद के रंग अपनों के संग ईद घर वालों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की आबाई इलाकों में वापसी। बड़े शहरों के लारी अड्डों पर रश, मुसाफिरों की तवील कतारें, ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे। कराची से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन भी मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। बजट मंजूरी पर पीपल्स पार्टी का वाज़ह मौकिफ न होने का मामला, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के तर्ज अमल पर सवालात उठा दिए। पीपल्स पार्टी को बतौर इत्तेहादी खुलकर नून लीग का साथ देना चाहिए था। पीपल्स पार्टी मौजूदा मुआशी बहरान से बरेल जमा होना चाहती है, लीगी रहनुमाओं के शक में। गवर्नर पंजाब ने पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ इत्तेहाद को भयानक तजुर्बा करार दे दिया। सरदार सलीम हैदर का कहना है कि तक इज्जत बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा दिया। पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ इत्तेहाद का 16 माह का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। इधर गवर्नर पंजाब से US कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस की मुलाकात। तालीम, ज़राअत, माहौलियात और तजारत के शोबों में तआवुन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर रबतों की ज़रूरत है और ना ही हम कर रखे हैं मशर अतलात। खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि अस्करी हुकाम हुकूमती फैसलों के हवाले से वज़ीर आला अली अमीन गंदापुर से रबते में है। बाने पीटीआई ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहने वालों से बातचीत का कहा है। रियासत की खराबी के जिम्मेदारान नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बाने पीटीआई ने दोनों जमातों से रबता ना रखने की हिदायत कर रखी है। सरम जावेद और आलिया हमजा अपने जराइम की सजाएं भुगत रखी हैं। उन्हें मरीम नवास ने कोर कमांडर हाउस पर हमला करने के लिए नहीं कहा था। 9 मई के फसादियों का टोला कला फतह करने निकला था, अब मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रखे हैं। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब असलम बुखारी का बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्देअमल, कहा कि मरीम नवास ने कभी औरत कार्ड खेला, ना जेल में सहूलियात ना मिलने का शिकवा किया। मजहबी टच, औरत कार्ड और गद्दारी कार्ड तहरीक इंसाफ के पसंदीदा मशागिल हैं। सिंध का तरक्याती बजट बाकी सूबों से बहुत बेहतर है। आइंदा माली साल के तमाम बजट अहदाफ कामयाबी से हासिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध के पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस बरादर अली शाह कहते हैं कि GDP हदफ पूरा करने के लिए विफाक के साथ भरपूर तआवुन करेंगे। विफाक से 1900 अरब रुपये मिलने की तवक्को है। बजट में हरी कार्ड के लिए 8 अरब, मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब मुख्तस किए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें सबसे ज़्यादा 30% सिंध हुकूमत ने बढ़ाई हैं। सिंध का 52% बजट तनख्वाहों पर खर्च होता है। सिंध के जिन वासियों के पास बिजली नहीं है, इन्हें सबसे पहले फ्री सोलर सिस्टम देंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बड़े मंसूबों पर काम किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मन मुजफ्फर का कहना है कि वफाकी और सिंध के बजट में कराची के लिए कुछ नहीं है। लोग तालीम, सेहत, पानी, बिजली, अमन अमान की सहूलियात चाहते हैं। हमारा अलमिया है कि इनमें से कोई भी चीज़ मौजूद नहीं। कराची की बदहाली के अलावा इनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं। जमात इस्लामी ने कराची के लिए 500 अरब रुपये के तरक्याती बजट का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने बड़ी ईद से पहले आवाम को बड़ी ईदी दे दी है। पेट्रोल 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर कमी की गई है। हालिया कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 16 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 89 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 76 पैसे कमी थी, जबकि यूँ अब 15 दिनों में पेट्रोल की तकरीबन 15 रुपये फी लीटर सस्ता हुआ है। जबकि वज़ीरे आज़म ऑफिस का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमू तौर पर 35 रुपये कमी की है। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी को खुश आयन करार देते हुए मज़ीद कम करने का मुतालबा किया है।
रिलीफ नहीं है, क्योंकि इस वजह से रिलीफ नहीं है। जब हर घर का बिजली महंगा हो जाएगा तो पेट्रोल में तो कुछ नहीं होता है ना। और पाकिस्तान में इन्होंने जो है ये भी 10 रुपए कम किया है। मैं आपको शरदन कहता हूँ कि 10-15 दिन बाद ये फिर जो है 30-40 रुपए बढ़ा देंगे। यार 10 रुपए से तो कोई मसला नहीं, 10 या फिर अगर 1000 रुपए का भी लीटर करो कराया तो हम लोगों को वही 100-200 दे, 100-200 का तो पेट्रोल हम लोग डाल देते, फायदा क्या है। पेट्रोल जब बढ़ती है तो किराए डबल बढ़ते है, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होती है 10-20 रुपए तो फिर किराए उसी तरह होते हैं, मतलब सस्ता नहीं, किराए कम नहीं होते हैं। 10 रुपए क्या है आजकल, दूसरा चीजें भी तो महंगे है ना। 10 रुपए अगर एक पेट्रोल किया है तो बाकी किया है, सही है। वज़ीर आज़म का सनअतों के लिए बड़े रिलीफ, जबकि आम सार्फिन को मजीद तकलीफ। सनअतों के लिए बिजली के